हेलो एवरीवन, मैं श्वेता श्वेता कुकिंग जोन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो बाइट्स, जो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ही अच्छा सा स्नैक है, सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो आइए देखिए ये बनता कैसे है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। ये हमने दो उबले हुए आलू को मैश कर लिया है, ये ठंडा है, आपको जितना बनाना है उस अनुसार आप ले लें, आलू गरम ना लें। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा। चावल के आटे से जो हमारा बाइट्स है, पोटैटो बाइट्स, वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच बेसन। अब इसमें जाएगा मसाला, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हल्दी ज़्यादा ना डालें, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच आमचूर्ण पाउडर। इससे हमारा जो बाइट्स है वो खट्टा खट्टा और बहुत ही अच्छा लगता है, चटपटा। अब हम अपने हाथों को चिकना कर लेंगे और इसे हम मिक्स कर लेते हैं, डो तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान है बनाना। ये देखिए हमने डो तैयार कर लिया है। हम एक थाली ले लेते हैं, आप चाहें तो सीधा स्लैब पे भी आप इसे राउंड कर सकते हैं। अब हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, हाथों को पहले चिकना कर लें, डो को हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। एक पोर्शन हम ले लेते हैं और इसे हम राउंड कर लेंगे थाली पे। हम इसका शेप सिलेंड्रिकल शेप देंगे लॉन्ग में, बिल्कुल इसी तरह से आप भी करें, बहुत ही अच्छा आपका भी बाइट्स बनेगा। आप जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। ये देखिए हमने सिलेंड्रिकल शेप में ले लिया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं, इक्वल साइज में कट कर लें। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा शेप दे देते हैं इस तरह से, जिसे देखने में अच्छा लगे। आप चाहें तो ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह हम सारा बाइट्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे बाइट्स को रेडी कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं, ये तेल को हम गर्म कर लेंगे। अच्छा सा तेल हमारा गर्म हो गया, ये देखिए बबल्स आ रहे हैं। अब इसमें हम अपना बाइट्स डाल देते हैं। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हमारा बाइट्स पक रहा है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा गोल्डन ब्राउन आया है। इसे हम थोड़ा सा चला लेते हैं। ये हमारा बाइट्स रेडी हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। इसे हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं, जो भी इसमें तेल हो टिश्यू पेपर ऑब्जर्व कर लें। अब इसका हम प्लेटिंग करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है और कितना सिंपल है इसे बनाना, आप देख सकते हैं। ये लीजिए हमारा पोटैटो बाइट्स बनकर रेडी हो गया, बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी हमने इसे बना लिया है। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है, आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है, आप यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी। तो आप अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करें कैसा लगा आपको। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।